सो हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस 15th ऑफ अक्टूबर आ चुका है एंड आज के दिन गाइस एक न्यू इवेंट भी आ चुका है और साथ ही साथ यहां पर सबसे मस्त वन ऑफ द फेवरेट मोड भी आ चुका है। जी दोस्तों, बात कर रहा हूं रूनिक पावर मोड की। तो रूनिक पावर मोड्स लवर, आप आज से यहाँ पर इस मोड को खेल पाओगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक लिमिटेड टाइम के लिए होने वाला है, यानी कि 1 वीक के अंदर वापस से चला जाएगा। तो जितना ज्यादा खेल सकते हो उसे खेलो यार। ओके तो गाइस अभी यहाँ पर हमारे न्यू इवेंट के बारे में बात कर ले। तो गाइस आप सभी को याद होगा जब हमारा न्यू मोड आया था तो उस टाइम हमें एक इवेंट देखने को मिला था फैटल कॉन्टामिनेशन करके। तो उस इवेंट के अंदर हमें ढेर सारे टोकन मिल रहे थे और उन टोकन की हेल्प से आप यहाँ पर आउटफिट और यूएमपी का स्किन रिडीम कर पा रहे थे। सो मैं आपको उस दिन बताया था कि आपका ये फेज 1 है एंड फेज 2 भी आएगा। तो फाइनली वो आज आ चुका है, वो वाला फैटल कॉन्टामिनेशन इवेंट जा चुका है। सो अभी उस इवेंट के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके अंदर क्या क्या करना है एंड क्या आपका यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है उसके अंदर। नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम उस इवेंट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इवेंट सेक्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर कुछ एड रन कर रहे होंगे। तो सबसे फर्स्ट वाले एड को यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दशहरा इवेंट। बट यहाँ पर गाइस ये इवेंट ग्लिच हो चुका है जिसके चलते आप उसका बैनर नहीं देख पा रहे होंगे। बट जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टामिनेशन रिसोर्सेज इवेंट देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस इवेंट के टाइम ड्यूरेशन की। तो गाइस आपको यहाँ पर ये इवेंट देखने को मिल जाता है 15th ऑफ अक्टूबर से लेकर 14th ऑफ नवंबर तक, यानी कि इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपके पास 1 मंथ होने वाला है। अभी यहाँ पर आपको गाइस पता है कि हमारा जो फेज 1 था उसके अंदर हमें कुछ टोकन मिलते थे, यानी कि हम मोड के अंदर जाते थे, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करते थे और सैंपल्स यहाँ आकर रिडीम कर लेते थे और हमें कुछ टोकन मिल जाते थे। बट इस इवेंट के अंदर गाइस आपको लिमिटेड टोकन मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर अब इस बार आपको मिशन वाइज दिया गया है। सो जिस तरीके से आप मिशन कंप्लीट करते जाएंगे उस तरीके से आपको यहाँ पर टोकन और साथ ही रिसर्च चिप भी मिलते जाएंगे। अभी रिसर्च चिप क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर अगर गाइस आपने नोटिस किया होगा तो राइट साइड में आपको यहाँ पर ढेर सारे टोकन्स दिख रहे होंगे जो कि मैंने कलेक्ट किए थे फेज 1 के अंदर 333। देखो यहाँ पर मैंने इस इवेंट को ज्यादा तो कम्प्लीट नहीं किया क्योंकि इन दिनों में बहुत ज्यादा बिजी था। बट अगर आपने किया होगा उस इवेंट को देखा होगा तो डेफिनेटली आपने स्टार्ट तो कर ही दिया होगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर ढेर सारे आइटम्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बताया था उस इवेंट के अंदर कि आपका यहाँ पर यह परमानेंट आउटफिट ओपन होगा एंड उसका जो प्राइस वैल्यू होगा वो 3000 ही होने वाला है। तो डेफिनेटली गाइस अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उसी प्राइस में आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। साथ ही यहाँ पर अभी जो आपका यूएमपी है गाइस वो अभी आने में थोड़ा टाइम लगाने वाला है क्योंकि 13 डेज और बाकी है जैसे ये ओपन होगा। तो शायद मे भी पॉसिबिलिटी से कि 2000 या 3000 के अंदर ही आपको देखने को मिले। तो यार अगर आप यहाँ पर ये लेना चाहते हो तो आप थोड़ा और वेट कर लो और कोई इकट्ठा करते रहो क्योंकि जितने ज्यादा टोकन आपके पास होंगे उतने ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड आप ले पाओगे। अभी यहाँ पर गाइस इस इवेंट को हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं इसके अंदर हमें करना क्या है एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में कुछ मिशन दिख रहे होंगे, ऊपर आपको चैलेंज मिशन दिख रहा होगा, नीचे से आपको 2 डेज मिशन दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर गाइस अगर हम चैलेंज मिशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एक मिशन मिलता है विन अ 1 टाइम इन क्लासिक मोड, यानी कि आपको एक क्लासिक मोड जीतना होगा और आपको यहाँ पर मिलने वाले 200 टोकन, साथ ही आपको रिसर्च चिप 5 मिल जाएगा इसके अंदर। और साथ ही गाइस मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि ये जो चैलेंज मिशन है ये आपको हफ्ते में एक ही बार रिफ्रेश होता दिखेगा, यानी कि 7 दिन में आप इस मिशन को कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। 7 दिन के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा और फिर आपको एक न्यू मिशन मिल जाएगा इसके अंदर। नीचे साइड अगर हम बात करते हैं 2 डेज मिशन की तो गाइस इसके अंदर हर बार आपको न्यू मिशंस मिलेंगे, हर दिन डेली बेसिस पे रिफ्रेश होंगे ये। फर्स्ट मिशन के अंदर गाइस आपको यहाँ पर 600 का डैमेज देना होगा भी क्लासिक मोड के अंदर, तो आपको यहाँ पर 10 टोकन मिल जाएंगे और साथ ही एक रिसोर्स चिप मिल जाएगा। दूसरा मिशन इसके अंदर गाइस आपको अपने फ्रेंड को पॉपुलरिटी गिव करना होगा तो आपका ये मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। थर्ड मिशन के अंदर गाइस आपको 45 मिनट सर्वाइव करना होगा वो भी क्लासिक मोड के अंदर, सो यहाँ पर आपका ये भी मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। फोर्थ मिशन के अंदर गाइस आपको क्लासिक मोड के अंदर 3 बंदे किल करने होंगे तो आपको यहाँ पर 10 टोकन और एक रिसोर्स चिप फिर से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट मिशन दिख जाता है फिनिश इन द टॉप 10 ट्वाइस इन क्लासिक मोड, यानी कि टॉप 10 में आपको 2 बार ही आना होगा, 2 क्लासिक मोड खेलोगे तो आप आराम से आ जाओगे, आपका ये मिशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। और आपको हर दिन यहाँ पर डेली बेसिस पर एक लॉग इन डेली रिवॉर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर हम जो भी कोई मिशन कम्प्लीट कर रहे हैं गाइस तो उसके अंदर आपको टोकन तो मिल रहे हैं, आपको टोकन का यूज पता है कि क्या करना है, बट जो यहाँ पर आपको रिसोर्स चिप मिल रहे हैं उनका क्या यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे साइड अगर आपने नोटिस किया होगा गाइस तो यहाँ पर आपको सर्वर रिसोर्स प्रोग्रेस दिख रहा होगा जो कि 0.20% हो चुका है। तो जैसे ये 100 होगा तो आपको यहाँ पर लेवल पर कुछ रिवॉर्ड्स दिख रहे होंगे 10% पे, 25% पे, 50 पे, 75 पे, 100 पे। तो जैसे जैसे आपका ये प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपको ये टोकन और भी मिलते जाएंगे इसके अंदर। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं गाइस कि ये आपको अकेले को कम्प्लीट नहीं करना है, यहाँ पर जो आपको पूरा सर्वर है जितने भी बंदे इस इवेंट को खेल रहे हैं वो सभी का जितना भी यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे वो यहाँ पर प्रोग्रेस काउंट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको रिसर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको जो भी चिप्स मिलेंगे आपको बस इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपका इस इवेंट के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्वर वाइड जितना भी प्रोग्रेस बढ़ता जाएगा उस तरीके से आपको रिवॉर्ड्स भी मिलते जाएंगे, सिंपली आपको बस आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। अगर आप यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे तो आपको लगे
मिलेगा ही नहीं कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि यहाँ पर 1% भी हिलने नहीं वाला है। अगर आप घंटे दो घंटे बाद चेक करेंगे तो यहाँ पर 0.20 से एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सर्वर प्रोग्रेस हो रहा है। सो आई गेस गाइस आप सभी को इवेंट अच्छे से समझ आ गया होगा इस इवेंट के किस तरीके से कम्प्लीट करना है। तो होपफुली अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पे आप अभी तक नए हो तो क्या करो मेरी जान, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ नोटिफिकेशन बेल का भी ऑन करो, ताकि हमारे ऐसे आने वाले अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं जल्दी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस।